हम ही लोग क्यों जाएंगे गुजरात में काम करने। देश के 40% जिलों में कोई एक आईएएस या आईपीएस बिहार का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा अगर एक राज्य के कहीं लड़के पढ़ रहे हैं तो वो बिहार के लड़के हैं, लेकिन हम लोगों को यहां काम करने की सुविधा नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा दिल्ली में 40 से ज्यादा लोग जलकर मर गए, वर्कर ज्यादातर लोग उसमें यूपी और बिहार के थे। अगर 15 साल में खूब तरक्की हुई है तो वैसे स्थिति में जाकर लोग क्यों रह रहे हैं? कभी आपने सुना कि बिहार में कोई ऐसी घटना, न भगवान न करे हो, ऐसी घटना हुई हो और उसमें कोई कर्नाटक का आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, गुजरात का आदमी हो? ये स्थिति कब बदलेगी? ये स्थिति तब बदलेगी जब बिहार में अपना एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व होगा। किसी दूसरे का पिछलग्गू बना हुआ नेतृत्व बिहार की स्थिति को नहीं बदल सकता है। और ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, मैं उनके साथ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूं, ये स्थिति तब बदलेगी जब निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से ऐसे लोग जो नए बिहार का सपना रखते हो, जो ये देखना चाहते हैं कि अगले 10 साल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्य में देखना चाहते हैं, जो थक गए इस बात को सुन सुन के कि लालू जी के राज में ये नहीं था, हमने ये चीज कर दिया। अरे भाई सुन लिया कि लालू जी के राज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, आपने शुरू कर दी, लेकिन वो चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। उस चिकित्सा व्यवस्था के रहते हुए चमकी बुखार से 150 लोग मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। पटना 4 दिन बाढ़ के पानी में डूबा रहा, आपको पता ही नहीं है। कितने दिन तक ये बात कहते रहिएगा कि लालू जी के टाइम में 6 बजे पटना बंद हो जाता था, आज 10 बजे तक पटना खुला रहता है। लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बॉम्बे पूरी रात खुला रह सकता है तो पटना क्यों नहीं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और मैं यहां इसलिए नहीं बैठा हूं कि कोई गठबंधन बनाकर नीतीश जी को हरा दिया जाए या किसी पार्टी को रोक दिया जाए या किसी पार्टी की सरकार बना दी जाए। मैं बिहार में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 1.5 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जिंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा ये है, आप सोच कर ये आए हैं कि नवंबर में चुनाव है, उसमें क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। बिहार में चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से, सितंबर में मैंने शुरू किया यहाँ पर अपनी यात्रा और तब से मैं ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ कि मैं बिहार में ऐसे यंग लड़कों की टीम बनाना चाहता हूँ, ऐसे यंग लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो इस सपने को जीना चाहता है और किन्हीं परिस्थितिवश ये नहीं कर पा रहा है। मैं उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता में अपनी ताकत जोड़ना चाहता हूँ ताकि 10,000 अच्छे मुखिया जीत कर आए। नीतीश कुमार ने सरकार अच्छी चलाई, खराब चलाई, वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो 200 अच्छे एमएलए नहीं बना पाए, 200 ऐसे एमएलए नहीं बना पाए जो कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को पूरी तरह बदल सके। तो इसलिए मेरा जो प्रयास है वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल के नजरिए से है। बिहार में वो राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हो, इसके लिए अगले 2 दिन में, मतलब 20 तारीख से मैं एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, बात बिहार की नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत बिहार के 8,800 पंचायतों में से 1,000 ऐसे लोग, ज्यादातर युवा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, चुनना, उनसे जुड़ना जो ये समझते हैं कि बिहार के अगले 10 साल
इतने स्वर्णिम होने चाहिए कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में हम लोग शामिल हों। देश के सबसे अग्रणी 10 राज्यों में बिहार शामिल हो। मैं आपको एक पैरामीटर बताता हूं, प्रति व्यक्ति आए जो हर आदमी समझता है यहां। अगर बिहार को देश में 10वें नंबर पर पहुंचना है, आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं, 15 साल की तरक्की के बाद, सो कॉल्ड विकास के बाद, बिहार प्रति व्यक्ति आए, हर व्यक्ति जो औसतन कमाता है उसमें आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं। अगर 10वें पर आना है तो प्रति व्यक्ति आए 8 गुनी बढ़नी चाहिए अगले 10 साल में। बिहार को वो चलाएगा जिसके पास वो सपना हो, जिसके पास वो कर दिखाने की क्षमता और ब्लूप्रिंट हो। किसी को हराना और जिताना ये प्रयोजन नहीं है, बिहार बेहतर कैसे बने ये प्रयोजन है। नीतीश कुमार भी उसमें शामिल है तो उनका भी स्वागत है। हम तो उनके साथ रह के यही कर रहे थे, कुछ अलग नहीं कर रहे थे। ये जो आज आपको लिस्ट जारी कर रहे हैं, इसमें अभी करीब करीब 3 लाख लड़कों ने साइन किया है। आप में से कई लोग, जब मैं नीतीश कुमार जी के साथ था मैंने उनको बताया है, इसमें 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो मैं जदयू में जब था तभी लोगों ने ज्वाइन किया है। और इसमें आपको ये भी बता दूं, करीब करीब 30% लोग आज भाजपा के एक्टिव मेंबर हैं। और मैं नाम जारी कर रहा हूं वेबसाइट से, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है, वेबसाइट का लिंक आपको जारी कर रहे हैं। आप स्वयं से वेबसाइट पर जाकर देख लें कि किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सा व्यक्ति, किस आयु, किसका लड़का, क्या काम करने वाला जो खुद से इसमें शामिल हुआ है। 2,93,000 के आसपास का अभी संख्या आपको दे रहे हैं। 20 मार्च तक 10 लाख लड़के, 10 लाख लड़के डिजिटली इस पर रजिस्टर कर रहे हैं। और नीतीश जी ने कहा कि भाई बिहार में हम लोग तो साधारण पार्टी हैं, ट्विटर वगैरह क्या करेंगे। मेरी सोच अलग है, बिहार हमेशा पोस्टकार्ड वाला ही देश बना रहे ये नहीं चाहता हूं मैं। बिहार के लड़के ट्विटर ना सीखें, फेसबुक ना आए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कि ट्विटर गुजरात के लोगों का एक अधिकार नहीं है, ट्विटर और फेसबुक गुजरात के लोगों को भी सिखाने वाले लोग बिहार के ही थे। तो आप स्वयं ट्विटर पर हैं, 4.5 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज आप मीटिंग करते हैं उसका फोटो रिलीज ट्विटर पर कर रहे हैं, और बिहार का लड़का अगर कोई ट्विटर यूज करता है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने ये कहा कि ये भाई पार्टी इंटेलेक्चुअल की नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि इस देश ने, इस मानव इतिहास ने, भारत के इतिहास ने सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चाणक्य को देखा, वो आदमी इस धरती का था। तो बिहार को आप इंटेलेक्चुअल से अलग कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई बेवकूफ वाले देश, बेवकूफों के राज्य थोड़े ही ना है। इंटेलेक्चुअल होना कोई गलत बात थोड़ी है, टेक्नोलॉजी समझना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हमारी आकांक्षा है कि हम नंबर वन बनना चाहते हैं तो इसमें खराब क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य रहे? कोई पूछता है भाई ये पटना ऐसा क्यों दिखता है, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो गरीब राज्य हैं। तो अगर हम लोग गरीब राज्य हैं तो इसको धनी राज्य बनाने का, समृद्ध राज्य बनाने का जिम्मा किसका है? ये केरल से लोग थोड़ी आएंगे इसको बनाने के लिए, बिहार के लोग बनाएंगे। और 15 साल से आप शासन चला रहे हैं, आपसे ज्यादा अनुभव किसके पास है? आप आगे आइए, मैं फिर से आपके माध्यम से नीतीश जी को बोल रहा हूं, आप आगे आइए। किसी पॉलिटिकल कंपल्शन की, समीकरण की जरूरत नहीं है। बिहार को अगर आप बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे आप टॉप 10 में पहुंचाएंगे, अगर आप बिहार के हर आदमी को ये बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे यहाँ के हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़ सकती है, अगर आप बताएंगे कि बिहार में भी प्रति जो जीने की औसत आयु है केरल से 10 साल कम है, आपको अंदाजा इस बात का? बिहार में औसत आयु करीब 10 साल केरल के मुकाबले कम है। मतलब केरल में जो सामान्य आदमी है बिहार के एक सामान्य आदमी से 10 साल ज्यादा जी रहा है। मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि अगर नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अपनी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव को उपयोग में लाकर बिहार के लोगों को जोड़कर अगर ये ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बिहार के लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, भाई नीतीश कुमार जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे या 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा?
नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न तो ये है कि आप गांधी और गोडसे दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न ये है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलक्कू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। तो आप जो यहां आए हैं, आपकी अगर ये समझ है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने जा रहा हूं, किसी गठबंधन का काम करने जा रहा हूं, मैं आपके माध्यम से स्पष्टता से बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गठबंधन को बनाने और उसके प्रचार के कार्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है।